रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। जैसा कि आप जानते हैं, पहले हमारी एक चर्चा हो चुकी है अनमय को लेकर। अनमय एक ऐसा बच्चा जो एक अजीबोगरीब बीमारी से ग्रसित है, मासूम बच्चे की स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी यानी SMA टाइप 1 की गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसके लिए उनके माता पिता हमारे प्राइम टीवी चैनल में आके एक गुहार भी लगा चुके हैं, बच्चे की मदद के लिए भी समाज से कह चुके हैं। बच्चे के माता पिता उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर जगह गुहार लगा रहे हैं। बच्चे के इलाज के लिए 10 लाख से नहीं कभी 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की ज़रूरत है। फिर से एक बार चलिए अपडेट पे चलते हैं, और इस खबर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आशुतोष। आशुतोष, क्या अपडेट है अब आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं, लगातार जिस तरह अनमे की मदद को लेकर इससे पहले भी चैनल पे भी दिखाया जा चुका है, और जब से ही अनमे की समस्या बढ़ी है, जब से मुश्किलें बढ़ी हैं, तब से ही लगातार प्राइम टीवी द्वारा जो है दर्शाया भी गया, दिखाया भी गया, जनता को भी जागरूक भी किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करते चले कि जिस तरह जो है अनमे की मदद को लेकर, चाहे आपका सुल्तानपुर हो या फिर कादीपुर या लखनऊ या बनारस या उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, लोग अपनी अपनी तरीके से जो है अनमे की मदद को जिस तरह जो है सुन रहे हैं, उस तरह मदद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम इनसे आई बात करते हैं, क्या है, किस तरह की जो है समस्या को लेकर आगे बढ़े हैं। अंकिता सिंह, आज किस तरह का आप जो है निकली है, क्या है? अनमे मिशन के लिए निकले हैं, मासूम सा बच्चा है, इसके सबको मदद करनी चाहिए। एक अपील क्या करती है? अपील यही है सबसे कि सब लोग इसकी मदद करें, आगे आए, संकल्प लें कि इस बच्चे को हमको बचाना है। अनमे जैसी समस्या को देखते हुए क्या है, पूरी समस्या को बताइएगा। हम समस्या का समाधान पूरे देश से करवाना चाहते हैं। हाँ, जैसे हम लोग आगे बढ़े, वैसे सारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, सब लोग एक एक करके मदद करें, ताकि हमारा मतलब बच्चा जैसे उनका बच्चा वैसे मेरा बच्चा, पूरे देश का बच्चा, ताकि समाज में ये भी आके खड़ा हो। हाँ, दुनिया दुनिया जिए पूरा। सर, ये बच्चा जो मासूम बच्चा है, इसको इंजेक्शन की जरूरत है, इसी इंजेक्शन की सबसे मुहिम चलाई जा रही है कि सब जनता लोग, सभी लोग आकर के उसकी मदद करें, अपने अपने खाते में से कुछ थोड़ा थोड़ा सा पैसा उसको दान में दें, जिससे उस बच्चे की मदद हो सके। जी बिल्कुल, आपको बता दें, लगातार अनमे की मदद को लेकर महिलाएं से लेकर पुरुष तक, स्कूल के छात्र भी जो है लगातार जो है अनमे की मदद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का कहना हो रहा है, हम लोगों के पास जाएंगे, अपील भी करेंगे, वार्ता भी करेंगे, और यहाँ तक की भी जो है कहा है, जो भी कुछ थोड़ा बहुत सहयोग है, वो हम चाहे 10,000 हो या 5,000 हो या 2,000 हो, कुछ भी हो, वो हम इकट्ठा करके अनमे की माँ को हम देंगे, और वो उसके इलाज जो है जल्द से जल्द कराए जा सकते हैं। आशुतोष, एक बैनर साथ में चल रहा है जिसमें एक अपील की गई है, मैं चाहता हूँ उस बैनर में क्या लिखा है आप दर्शकों को बताइए। बैनर की हम बात करते हैं, ना चैन है ना सुकून है, अब अनमे को बचाने का जुनून है। इस नारे के साथ जो है जगह जगह पे जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं, और अपील के साथ साथ अनमे की मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। अंकिता जी से जानने की कोशिश करिए कि पहले जब हमारी चर्चा हुई थी तो उन्होंने बताया था कि उनके पास 1,23,00,000 के आसपास का कुछ रकम इकट्ठा हुई है, अब क्या अपडेट्स हैं उनके पास, अब कितना उनको रकम की जरूरत है, ये थोड़ा जानने की कोशिश करिए अंकिता जी से। जी, सबसे पहले आप ये बताइएगा, अनमे की माता के पास इस बार रकम को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिससे कि जो है वो इकट्ठा कर पाएंगे, क्या है अपडेट उनका कुछ? जो है कि सर, ये पैसे थोड़े बहुत ज्यादा भी नहीं इकट्ठे हो पाए हैं, थोड़े बहुत जो हुए हैं, इसी में सभी से मुहिम चलाई जा रही कि हम लोग पैसे के सब लोग थोड़ा थोड़ा सा मदद करेंगे तो उसके इलाज का मतलब हो जाएगा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर सभी लोग बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जी, अंकिता जी की माता जी से आपकी क्या बात नहीं हो पा रही अभी थोड़ा सा? जी, अंकिता की माता तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो आज दिल्ली जाने के लिए कह रही थी, वहाँ पे संजय आम आदमी संजय सिंह से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी वार्ता करेंगे, और उनसे मिलने के बाद क्या एक सहयोग है, किस तरह की वार्ता होगी, वो आने के बाद ही मालूम चल जाएगा। क्योंकि जिस तरह अनजान लोग बच्चे की मदद कर रहे हैं अनमे को लेकर, वाकई ही बड़ी जो है इसमें जो है एक कहा जाता है मतलब दूसरे कहा जा सकता है, आशुतोष, कहा जा सकता है कि महिलाओं ने एक बहुत ही सुंदर प्रयास कर रही हैं,
अन्मय की मदद के लिए सब लोग इकट्ठा होकर समाज से अंशदान की पूरी अपील की जा रही है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा और आप महिलाओं से बात करने की कोशिश करिए, और कितने संगठनों से उनकी बात हो रही है, कितना वो कलेक्शन अभी तक कर पाई हैं, थोड़ा जानकारी लीजिए। जी बिल्कुल, हम वार्ता करते हैं। क्या लगता है जैसे 16 करोड़ का एक पूरा मोटी रकम है, और रकम को लेकर क्या अन्य की माता ये पूरा कर सकती है? नहीं। क्या लगता है लोगों से अपील के लिए क्या करते हैं? लोगों के लिए से अपील यही करेंगे, बिना सबके सहयोग का नहीं पूरा होगा। 1,000, 500, 10,000, 20,000 जिससे जो बन पाए बिना दिए नहीं होगा। हम यही लोगों से यही अपील करेंगे, जितनी जनता है सब लोग मतलब इकट्ठा करें ताकि उस बच्चे की जान बच जाए। एक सुझाव को लेकर क्या कहेंगे, जैसे तमाम इसमें प्रधानमंत्री हो गए या नेता हो गए, सांसद हो गए, सबसे सबके पास सूचना पहुंचे ताकि सब लोग बच्चे की मदद करें, बच्चा हमारा खड़ा हो। जी बिल्कुल, आपको बता दें हमारे बीच में एक छोटी सी बेटी है, वो भी अपने भाई के लिए जो है एक अपील भी कर रही है, हम इनसे भी बात करते हैं। बेटा आपकी भाई की समस्या है, क्या है उसको, किसी की समस्या को लेकर आप वार्ता कर रही हैं, बताइए थोड़ा सा बेटा बोलिए। जब मैं स्कूल जा रही थी आज, तो मैं अपने भैया के लिए प्रार्थना की थी, भगवान मेरे भैया को ठीक कर दो, मेरे भैया की सहायता करो, मेरी भाई बहन की जोड़ी बनी रहे, मैं जीवन भर अपने भैया को राखी बांध सकूं। एक छोटी सी बेटी होकर प्रार्थना कर रही है अपने भैया के लिए, और हमारे भैया को सही कर दो, हम रक्षाबंधन पे उसको राखी बांधेंगे, इसी को अपील के साथ जो है लगातार जो है चर्चा का विषय बन गया है अन्य को लेकर। आशुतोष, क्या अन्मय की माताजी से आपकी कोई बात हुई है इस बीच? आशुतोष आपको आवाज आ रही है हमारी? आशुतोष, तो आपको बता दें कि अन्मय की मदद के लिए क्षेत्र की महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, बकायदे बैनर के साथ वो जगह जगह जा रही हैं और इस मिशन से लोगों को जोड़ रही हैं ताकि अन्य कोई जान को बचाया जा सके। 16 करोड़ के इंजेक्शन जो कि अमेरिका में ही उपलब्ध है, वहां से मंगाना है, इसके लिए अन्य की माता उनके परिवार सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिले थे, इसको लेकर उन्होंने चर्चा भी की थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि पूरी तरह से मदद की जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे थे, अन्मय की मदद के लिए वहाँ की क्षेत्र की महिलाएं भी अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हैं, बैनर पोस्टरों के साथ में लोगों के घर पे जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अन्मय की मदद करिए। 16 करोड़ की रकम बहुत बड़ी रकम होती है, इसके लिए पूरा उचित प्रबंध करना, और वहाँ के क्षेत्र के विधायकों से, मुख्यमंत्री जी से भी अपील की गई है। फिलहाल इसकी पल पल की अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।